सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं सुन रही हूँ, सुन के काफी अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे तो ये सारी चीजें सुनने को मिलती नहीं है। कहने को तो हम बहुत पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं। कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं लेकिन थोड़े आइडियोलॉजिकल नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को जरूरत होती है कि दिल्ली आकर के कम से कम इस सारे ज्ञान को लेकर के उत्तर प्रदेश जाएं और वहां के लोगों को बताएं जाकर के कि देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश के जो अनुसार हो रहा है वो दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन उसको डील करने का तरीका अलग है। एक बात जो निकल कर आती है कि लोहिया ने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। आज लड़ाई इन चार चीजों के लिए है। आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं तो हम ढेर सारी बात करते हैं, लेकिन उन बातों में शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य नहीं होता है। आज सवाल ये बनता है कि पद्मावती चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि एक गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है, उसका बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर से निकल करके काम करने जाता है और पूरा घर उस स्वास्थ्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए बर्बाद हो जाता है। हम स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं करते। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मोदी रिजीम की बात, चूंकि चार साल ऐसे गुजरे हैं कि किसी के जेल में गुजरे हैं तो किसी के यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना करते गुजरे हैं। क्लासों में जब पढ़ने जाते हैं तो एक घंटा मिलता है। अब एक घंटे में सवाल ये रहता है कि कितनी जल्दी ये सिलेबस को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर बाहर लड़ने नहीं जाएंगे तो ये सिलेबस ही खत्म हो जाएगा और हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो छात्रों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि जब हम उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, वही रोस्टर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रोस्टर सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग सबसे ज्यादा दलित वर्ग से आते हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी होते हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े होते हैं। वो लोग जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे शिक्षा के नाम पर उनके साथ मजाक किया जाता है। आज इस देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक तरफ कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं जो वेल टाई बेल्ट लगा के एकदम मेंटेन रहते हैं, और एक तरफ वो बच्चा है जो बैग में अपनी किताबों के साथ थाली लेकर के जाता है और सोचता है कि कुछ नहीं मिलेगा, मास्टर साहब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। आज ये हाल हो गया है। आप ये देखिए कि जब गरीब लोग, मेरी तरफ बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहां पे जब गरीब किसी तरह से मजदूरी करता है या कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, उन्हें भी मजदूर ही मानती हूँ, तो वो मजदूर लोग जब जाते हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि देखिए आपकी सैलरी कितनी है, इंटरव्यू के नाम पे पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से पॉश इलाके में रहते हैं, थोड़ा ये जान लिया जाए, आप ISPCS हैं कि आप क्या हैं, ये मालूम कर लिया जाए। क्योंकि अगर गरीब घर का बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने आएगा तो हमारे स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा, वो घर की गलत बातें सीख के आएगा और गाली गलौज करेगा स्कूल के अंदर। आज आप ये देखिए कि सरकार भी वही काम कर रही है जो ये प्राइवेट संस्थान करते हैं। प्राइवेट संस्थान बच्चों को वो सिखाना पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, क्योंकि अगर गरीब के बच्चे साइंटिस्ट बन जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन और ऐसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत से सस्ते पैसे में श्रमिक पाते हैं, वो कहाँ से पाएंगे। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो सस्ती दर पे मजदूरी कौन करेगा, अंबानी और अडानी का बेटा तो नहीं करेगा। मैं इतनी बात भली भांति तौर से जानती हूँ। हम ये देखते हैं कि कैंपसेस के अंदर सबसे अनोखी बात यह है कि जब हम लोग दिल्ली में होते हैं तो, मतलब लखनऊ में भी होते हैं तो दिल्ली को सुनते और समझते रहते हैं। DU में क्या हो रहा है, JNU में क्या हुआ, अब जान लेते हैं HCU में भी क्या हुआ, TISS में भी क्या हुआ, सारी चीज़ों से रूबरू रहते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ सेंट्रली यूनिवर्सिटी पे बेस्ड हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा
कोई साथी जो बलिया में पढ़ रहा है वो सही से पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है। जब वो फीस वृद्धि का आंदोलन हम लखनऊ विश्वविद्यालय में चला रहे होते हैं तो उस पर किसी की नज़र कभी नहीं जाती है, क्योंकि शायद लखनऊ विश्वविद्यालय इतना बड़ा इशू है नहीं लोगों के लिए। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हम ये देखते हैं छात्रों के बीच में लगातार जा रहे होते हैं और मालूम पड़ता है कि ये जितने आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं 2017 के बाद से ये सारे कार्यक्रम एकेडमिक्स के पैसे से बच्चों से लिए जा रहे हैं और बच्चों से बोला जाता है कि 35,000 रुपये पर सेमेस्टर आप फीस दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा और इतना बजट नहीं है कि हम आपके टीचर्स की सैलरी दे पाएं। इस नाम पर एक तरफ बजट बढ़ाया, एक तरफ फीस वृद्धि की जा रही होती है, दूसरी तरफ उन्हीं पैसों से आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा होता है। उन सारे मूवमेंट्स पे लोगों की नज़र तब पड़ती है जब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ये सपना देख लेते हैं कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान मजदूर का बच्चा, जो कि सच में सरकार से सवाल खड़ा करता है, जो सच में अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ता है, अगर वो नहीं आएगा तो योगी जी आप भी इस कैंपस में घुसने नहीं पाएंगे। और ये छात्रों की ताकत होती है जो अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर लड़ते हैं। एक महीना हम लोग जेल रहते हैं, हालांकि ये सरकार बड़ी इंटरेस्टिंग सरकार है, जेल भेज कर अभी तक तो सिर्फ शिक्षा के लिए ही लड़ रहे थे, जेल जाने के बाद मालूम चलता है कि जेल के अंदर तो बड़े निर्दोष लोग भी रह रहे हैं, अब शिक्षा के साथ कैसे इन दलितों और पिछड़ों की लड़ाई भी, इनको जेल से बाहर निकालने की लड़ाई भी कैसे लड़ी जाए, ये भी हम लोगों को एक मौका मिला। हम ये देखते हैं कि जब हम एजुकेशन पे बात कर रहे होते हैं तो एजुकेशन पे जिस तरह से सीट कट किया जा रहा है, जिस तरह से फंड कट किया जा रहा है, ये एक सवाल है। आपको बताएं कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे सभी विश्वविद्यालयों में आरएसएस की कृपा से कुछ कुलपति बन रहे हैं, वैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी एसपी सिंह महोदय एक कुलपति हैं जिन्होंने आने के बाद शिक्षा में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन सबसे पहले ये काम किया कि जितने ऊपर के पदाधिकारी थे उनको हटा करके सारे ठाकुरों को अपॉइंट कर लिया। उनसे पूछा गया, सर आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले, ये बहुत सालों से दबे हुए हैं, इनको उभारने का काम कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था बातचीत के दौर में, जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि एसपी सिंह महोदय जब ये बात करते हैं तो हम उनसे कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही कहते हैं, मैडम आप विधानसभा में बात नहीं कर रही हैं, ऐसा करिए कि आप लोगों की जगह सड़क पर है, सड़क पर जाकर के आप लड़िए। तो हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि सर आप ऐसा करिए, ठाकुरों को उभारने का काम करिए और हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। समय बहुत कम है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी शुरू किया है और ख़त्म करने की बारी आ गई। तो सबसे बड़ा जो एक सवाल है, सवाल ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर सावरकर पीठ की स्थापना की जा रही है। हमारे वीसी महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि सावरकर के मूल्यों को, सावरकर के भारत की नीतियों को जानने का ये अवसर है और हम ये चाहते हैं कि इसकी शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय से हो, ठीक उसी तरह जैसे ये चाहते हैं कि इस्लामिक टेररिस्ट के बारे में जेएनयू में पढ़ा जाए, वैसे ही ये किसी और तरह का टेररिस्ट, अब मैं नाम नहीं लूंगी, उसका ये चाहते हैं टेरर लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा जाए। मुझे ये डर लगता है, मैं ये देखती हूँ कि जब बीएचयू का सवाल आता है तो बीएचयू के मूवमेंट को बहुत बड़ी तरह से देखा जाता है, उससे पहले लाइब्रेरी का सवाल था। आज आप देखिए, जब आप मूलभूत सवालों के लिए लड़ते हैं तो आपकी जगह जेल में होती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बीटेक के छात्रों से मोटी रकम, लाखों लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनको शिक्षा व्यवस्था के नाम पर लैब नहीं दिया जाता, उनको लैब नहीं दिया जाता, ACIT प्रूफ नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा हमला अगर उनके विश्वविद्यालय पे होता है तो वहां पे जो 50% दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जब से ये सरकार बनी है उस रिजर्वेशन के पीछे पड़ी हुई है और लगातार ये उस रिजर्वेशन को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वहां के भी छात्र संघर्ष कर रहे हैं। जब हम बीएचयू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साहब हमें अच्छे दिन तो नहीं चाहिए, हमारे जो दिन थे हमें वही लौटा दीजिए। जब बीएचयू का पेपर आता है तो उसमें सवाल आता है कि मनु एक पहले भारतीय ग्लोबलाइजेशन थिंकर थे, इसका जरा आप विवरण दीजिए। जब ईसी साहब के पास जाइए तो वो कहते हैं कि देखिए चौमीन खाने से लड़कियां एक्साइट हो जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा जब
शिक्षा विरोधी नीतियों पे प्रोटेस्ट कर रहा होता है, योगी आदित्यनाथ का पुतला अगर फूंक देता है तो उसको विश्वविद्यालय साहब एक नोटिस जारी करते हैं और उसमें लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो धर्म का प्रतीक है और आपने इनका पुतला जला करके धर्म का आपने अपमान कर दिया है। किस तरह से कम्युनल किया जा रहा है मामले को, आपको मैं कह रही हूँ ना, यूपी वालों को मौका नहीं मिलता, इसीलिए दो दो मिनट करके मैं अपनी बात को बस दो मिनट में समाप्त कर रही हूँ कि देखिए बात यह है कि बीजेपी लगातार, बीजेपी से पहले भी बहुत सारी शिक्षा नीतियां थी लेकिन इस सरकार और उस सरकार में एक अंतर होता है। वो सरकार जो पहले थी वो कम से कम बातों को सुनती थी, कम से कम एकेडमिशियंस को बर्दाश्त करती थी, कम से कम हमें अपने बात को रखने की आज़ादी देती थी, लेकिन ये सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी है, खुद देशद्रोही है, खुद गद्दारी का इतिहास से लैस है, इसलिए वो चाहती है कि इस देश के लोग, इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान सिर्फ और सिर्फ गद्दारी के इतिहास को पढ़ें, वो अपने बलिदानों के इतिहास को ना पढ़ें, वो अपनी गंगा जमनी तहजीब को ना पढ़ें। और एक बात जो अंतिम है कि देखिए न्यू इंडिया तो बनेगा क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये जो न्यू इंडिया मोदी जी के जो सपनों का भारत है जिसमें जुनैद की हत्या कर दी जाती है, अखलाक के घर में घुस के उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, जहां नजीब को कैंपस से गायब कर दिया जाता है, रोहित देमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया जाता है, वो न्यू इंडिया हम बनने नहीं देंगे। हम बनाएंगे न्यू इंडिया, हम रिक्लेम करेंगे न्यू इंडिया और इस देश का छात्र नौजवान भगत सिंह अम्बेडकर लोहिया के सपनों का भारत बनाएगा। और एक बात और जो अंतिम है, देखिए अंतिम बात है कि छात्रों की जिम्मेदारी है कि उनको अपनी बात को रखना है और लोहिया जी के इस कथन को जीवन भर याद रखिएगा कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी और ये जो छात्र हैं, छात्र सवाल होता है और जब छात्र सवाल करता है तो बवाल निश्चित होता है, इसलिए आपको बवाल और सवाल दोनों करते रहना है, पीछे मत हटिएगा और इनकलाब जिंदाबाद।